सच कहूँ इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल एतबार नहीं जब ऐसे सेंटेंसेस हों जिसमें आप किसी को ऑनेस्टली कुछ बताना चाहते हों या आप अपनी ऑनेस्टली राय देना चाहते हों, तो आप कहते हो सच कहूँ या वाज़े तौर पर कहूँ या आपको बिल्कुल ठीक ठीक बताऊँ। उसके लिए आपके पास बहुत सारे फ्रेजेस हैं। आप ये भी कह सकते हो टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रेंकली, ट्रुथ टू बी फ्रेंकली, ऑनेस्टली, कैंडिडली। बहुत सारे वेज हैं जिनके ज़रिए हम सच कहूँ तो को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। सच कहूँ तो मुझे बिल्कुल एतबार नहीं। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव एट ऑल। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट बिलीव एट ऑल। टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा बेसिक है और सभी यूज़ करते हैं। सच कहूँ तो मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। टू बी फ्रेंकली आई डिडंट लाइक दिस प्लेस एट ऑल। अब मैं किसी को अपनी पसंद, अपनी राय बता रही हूँ जिससे मैं बहुत क्लोज हूँ, तो मैं वहाँ पर टू बी फ्रेंकली यूज़ कर सकती हूँ। आई डिडंट लाइक दिस प्लेस एट ऑल। सच कहूँ मुझे आज भी उसका इंतज़ार है। ट्रुथ टू बी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम। ट्रुथ टू बी आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हिम। ट्रुथ टू बी जो है वो ट्रुथ टू बी ये एडवांस है। जब आपको एडवांस इंग्लिश बोलनी हो तब आप ये एक्सप्रेशन यूज़ करें सच कहूँ के लिए। सच कहूँ मुझे अब कोई उम्मीद नहीं। फ्रेंकली आई हैव नो होप एनी मोर। फ्रेंकली आई हैव नो होप एनी मोर। सच कहूँ तुमने मुझे बहुत मायूस किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग यू हैव डिसअपॉइंटेड मी अलॉट। ऑनेस्टली स्पीकिंग यू हैव डिसअपॉइंटेड मी अलॉट। तुमने मुझे बहुत मायूस किया। वाज़े तौर पर बताऊँ या वाज़े तौर पर कहूँ मैंने बहुत बुरा महसूस किया। कैंडिडली आई फेल्ट सो बैड। कैंडिडली मीन्स आप किसी को बिल्कुल क्लियर क्लियर सब कुछ बता दो, सच सच साफ साफ बिल्कुल बता दो। कैंडिडली आई फेल्ट सो बैड। वाज़े तौर पर कहूँ आपकी पेशकश में, आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी खामियाँ हैं। कैंडिडली योर प्रेजेंटेशन हैज़ मैनी फ्लोज। कैंडिडली स्पीकिंग या कैंडिडली योर प्रेजेंटेशन हैज़ मैनी फ्लोज। आपकी प्रेजेंटेशन में बहुत सारी खामियां हैं। सच कहूँ इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। ऑनेस्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। ऑनेस्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। तब अगर आपको किसी को कहना हो कि मैं सच सच बताऊँ, सच सच कहूँ, तब आप टू बी ऑनेस्ट, टू बी फ्रेंकली, ट्रू टू बी फ्रेंकली, ऑनेस्टली, ऑनेस्टली स्पीकिंग, कैंडिडली यूज़ कर ये फ्रेज, ये एक्सप्रेशन बोल सकते हैं और फिर आगे जो भी आपका सेंटेंस हो वो बोलिए। आप प्रैक्टिस कीजिए इन फ्रेजेस को, अपनी कॉन्वर्जेशन में यूज़ कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।